हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अमेरिकन लेजिस्लेचर। लास्ट सेशन में हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पावर्स की पोजीशन की, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसकी कैसे इलेक्शन होती है, कौन सी पावर्स है एंड इसकी क्या पोजीशन है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये एक वीक हाउस है, सेनेट को ज्यादा पावर्स मिली हुई है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो हेड है इसकी कुछ ज्यादा पावर्स है, जिसके पास कम पावर्स है, इसकी पोजीशन कैसी है, हम इसको टू पार्ट्स में करेंगे। एंड पहले करते हैं, जो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको ही स्पीकर कहा जाता है। एंड अमेरिका में जो स्पीकर की पोस्ट है सबसे एशियन पोस्ट है एंड सबसे ऑनरेबल पोस्ट है। जो स्पीकर है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के थ्रू इसका थर्ड रैंक है। तो पहले कौन सा ऑफिस आता है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद थर्ड रैंक पर आता है स्पीकर। तो इससे कह सकते हैं कि अमेरिका में स्पीकर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर थर्ड प्लेस रखता है। तो जो स्पीकर है इसकी इलेक्शन कैसे होती है, तो स्पीकर क्या होता है, इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके द्वारा खुद ही इलेक्ट किया जाता है। जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की फर्स्ट मीटिंग होती है, इसमें से ही जो मेजोरिटी पार्टी है इसका जो प्रोमिनेंट लीडर होता है उसको ही एज अ स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाता है। हमेशा से ही ये देखने में आया है, जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होता है वो ही क्या बन जाता है, स्पीकर बन जाता है। एंड वो सबसे सीनियर मेंबर के आगे ओथ लेता है अपनी पोस्ट की। तो इसकी इलेक्शन कैसी होती है, कोई बाहर से कोई प्रोसेस नहीं है, जे जो मेंबर्स हैं खुद ही अपने से एक मेंबर को इलेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जे ही प्रोसेस होती है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक पर्सन को स्पीकर के लिए इलेक्ट कर लिया जाता है। जो स्पीकर है इसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, स्पीकर की क्वालिफिकेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें डिफाइन नहीं की गई। तो जिसकी क्वालिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है कि ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका मेंबर होना चाहिए। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन के लिए जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, तो उन क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर मेंबर बनेगा। तो मेंबर के 435 मेंबर्स हैं, इनमें से ही एक मेंबर स्पीकर के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो जो स्पीकर है इसका टेन्योर कितना है, सैलरी कितनी है एंड अलाउंसेस कितने हैं। इसका टेन्योर जनरली 2 इयर्स टर्म के लिए होता है, क्योंकि वहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जी भी 2 इयर्स के लिए ही चुनी जाती है। तो स्पीकर का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 इयर्स के लिए। लेकिन क्या होता है, अगर इसको रिमूव करना पड़े तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट मोशन। एंड जी तब तक अपने पोस्ट पर रहता है जब तक हाउस के इसको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। तो इसका टेन्योर जनरली 2 इयर्स के लिए है, लेकिन इसको पहले भी रिमूव किया जा सकता है। तो इनकी सैलरी है 2,23,500 पर एनम। एंड इसके अलावा इनको रिटायर होने पर पेंशन दी जाती हैं एंड अदर फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं उनको दी जाती हैं। एडिशनल इनको रहने के लिए एक रेंट फ्री होम भी दिया जाता है। एंड नेक्स्ट, इनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर जे क्या है, टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस। जो हाउस की मीटिंग्स हैं इनको प्रिजाइड कौन करता है, इनकी प्रोसीडिंग की डेट फाइनल कौन करता है, स्पीकर करता है। जितनी भी मीटिंग्स होंगी इनको कौन कंडक्ट करता है, इसको करता है स्पीकर ऑफ द हाउस।
सो ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. नेक्स्ट इज टू गिव परमिशन टू मेंबर्स टू स्पीक. जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जितने भी मेंबर्स हैं उनको परमिशन देता है कि कौन बोलेगा. जैसे डिस्कशन हो रही है, हो सकता है सेम टाइम पर टू मेंबर्स खड़े हो जाए, वो बोलना चाहते हैं, तो इस टाइम स्पीकर ही कहेगा सबसे पहले अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए पहले किसको टर्न देनी है. इसका डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर ही लेता है. नेक्स्ट इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस. हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर कोई हाउस के डिसिप्लिन को वायलेट करता है तो वो उसको पनिशमेंट भी दे सकता है. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस. हाउस के जितने भी रूल्स है, जो भी प्रोसीडिंग है, इनको इंटरप्रेट कौन करता है? स्पीकर करता है. लेकिन एक प्रोविजन है, अगर उसकी चीज रिप्रेजेंटेशन है, उसकी इंटरप्रिटेशन से मेंबर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो हाउस को क्या कर सकते हैं? वो दोबारा से एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमको दोबारा से जो रूल्स हैं इनको इंटरप्रिटेशन करनी है. तो जिस पावर्स किसके पास है? हाउस ऑफ द स्पीकर. एंड उसकी नेक्स्ट पावर क्या है? टू रेफर द बिल्स टू द कमिटीज. जितने भी बिल्स पास होते हैं और उन पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर उन बिल को कमेटी के पास रेफर करना है तो वो रेफर कौन करता है? स्पीकर करता है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ कास्टिंग वोट. जो स्पीकर है, स्पीकर क्या है? वो भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है, उसको भी वोट डालने का पूरा राइट मिलता है. अगर मान लो कोई डिस्कशन चल रही है, इस डिस्कशन में टाई हो जाए, इक्वल इक्वल वोट्स हो, तो उस टाइम कास्टिंग वोट है वो कौन डालता है? स्पीकर देता है. जिसके फेवर में वो वोट डालेगा वही बात मान ली जाएगी. तो कास्टिंग वोट का राइट किसके पास आया? वो स्पीकर के पास है. नेक्स्ट इज टू सर्टिफाई द बिल. बिल को सर्टिफाई करना. सर्टिफाई मीन्स जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कोई बिल पास हो गया, बिल पास होने के बाद उसको सर्टिफाई करना पड़ता है. इट मींस इस पे जो स्पीकर है इसके सिग्नेचर होंगे. अगर सिग्नेचर होंगे तभी बिल सर्टिफाई होता है. जैसे हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म है, आपने ऑनलाइन फॉर्म दिया, तो उसको लास्ट में सर्टिफाई करते हो, मींस आप अपने सिग्नेचर करते हो, उसको कहते हैं सर्टिफाई करना. तो जितने भी बिल पास होते हैं उनको सर्टिफाई स्पीकर करता है. जब स्पीकर है हाउस के जितने भी बिल्स हैं इनको सर्टिफाई कर देता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास या सेनेट के पास वो ही भेजता है. नेक्स्ट इज लीडर ऑफ द हाउस. जो स्पीकर है हाउस का लीडर होता है. वहां पर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी लीडर नहीं होता है, इसीलिए जो अज्यूम किया जाता है कि स्पीकर है वो लीडर बन चुका है, वो पूरे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट इज लीडर ऑफ हिज पार्टी इन द हाउस. जैसे इंडिया में जो स्पीकर होता है वो स्पीकर क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाता है, अपनी पार्टी से अपने रिलेशंस खत्म कर लेते हैं. लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता. अगर वो स्पीकर है वो फिर भी अपनी पार्टी का ही मेंबर बना रहता है, इसीलिए वो अपनी पार्टी का एक लीडर भी होता है. इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, जो ऑपोजिट पार्टी के मेंबर्स है वो लीडर की रिस्पेक्ट नहीं करते. नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द गैलरीज ऑफ द हाउस. जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसकी विजिटिंग गैलरीज है, इन पर किसका कंट्रोल होता है? स्पीकर का होता है. अगर वो चाहे तो इन गैलरीज को खाली भी करा सकता है. तो इस तरह जो स्पीकर है इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं. इसकी थर्ड पोजीशन है अगर हम प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट में देखें. तो इसकी पोजीशन के रिगार्डिंग हम क्या कह सकते हैं, स्पीकर की पोजीशन क्या है? तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रॉम चेयरमैन टू डिक्टेटर एंड नंबर टू लिमिटेड पावर्स. पहले कि उसको चेयरमैन से वो डिक्टेटर बन चुका है. क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इनको यूज कर रहा है. डिस्क्रिशनरी पावर में जो पावर्स कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, तो वो स्पीकर अज्यूम कर लेता है जिस सभी पावर्स
स्पीकर की हैं, इसीलिए वो क्या होगी, डिस्क्रिशनरी पावर्स होगी। तो वो सभी पावर्स कौन यूज कर रहा है, वो स्पीकर ही यूज कर रहा है। वो लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर होने की वजह से वो जे मानता है, जैसे ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, वैसे ही यूएसए में मैं भी एक प्राइम मिनिस्टर हूँ। वहां पर प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं है, तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का लीडर होने के नाते अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लग जाता है। इसीलिए वो क्या बन गया, एक लीडर बन गया जो प्राइम मिनिस्टर होता है अदर कंट्रीज में। एंड चेयरमैन ऑफ द कमेटीज, वो बहुत सारी कमेटीज है, इन्वेस्टिगेशन कमेटीज है, उनका चेयरमैन होता है। एंड चेयरमैन ऑफ द कमेटीज ऑफ रूल्स जे भी बना था, जिसमें वो बहुत ज्यादा डिक्टेटर बन गया। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोगों ने उनके अंगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद ही कहा गया कि जो हेड है, स्पीकर है, वो चेयरमैन नहीं होगा कमेटी ऑफ द रूल्स। इस तरह उसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। ये पावर्स देखकर लगता है कि वो क्या बन चुका है, डिक्टेटर बन चुका है, लेकिन हम उसको एक्चुअल में डिक्टेटर नहीं कहेंगे। उसके पावर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। अगर मेंबर्स डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, कहा तो गया है कि वो मेंबर्स को पुनिश कर सकता है, एक्चुअल में उसके पास कोई भी पावर नहीं है जिस वजह से वो मेंबर्स को पुनिशमेंट दे सके। नेक्स्ट इज, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के सभी मेंबर्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि वो लीडर ऑफ हिज पार्टी भी होता है, अपने पार्टी को ही रिप्रेजेंट करता है, जो पार्टी के मोटिव्स हैं उनको ही सबसे पहले प्रायोरिटी देता है। इसलिए जो ऑपोजिट पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो पार्टी के मेंबर्स स्पीकर के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। इस तरह उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो स्पीकर है सबसे पावरफुल है, उसकी ही डिक्टेटरशिप चलती है। एक्चुअल में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अगर जे भी एक हाउस है, तो इसका लीडर कैसे एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है, उसकी पोजीशन भी बहुत ज्यादा वीक पोजीशन है। लेकिन हाँ, हम डेफिनेटली जे कह सकते हैं, जो स्पीकर है उस स्पीकर की पोजीशन जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिलेटिवली थोड़ी सी अच्छी पोजीशन है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, हम कह सकते हैं हिज पोजीशन इज नॉट एज इन्फ्लुएंशियल एंड रिस्पेक्टेबल एज दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड। उसकी पोजीशन ना ही इन्फ्लुएंशियल है, ना ही रिस्पेक्टेबल है, जैसे अदर कंट्रीज में होता है, इंग्लैंड में होता है, हमारी कंट्री में होता है। तो विद दिस हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सैलरी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।